दोस्तों, कलयुग में भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। देवताओं में एकमात्र महादेव आशुतोष ही ऐसे हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर समस्त सुखों को झोली में भर देते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार है कि कैसे एक सच्चे भक्त की झोली भगवान भरते हैं। यह कहानी आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को जागृत करेगी जिससे आपको भी भगवान के प्रति सच्चा और अटूट विश्वास हो जाएगा। बस आप कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वैद्य जी पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवा खाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवा खाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते, पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहां दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूं। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूं। यहां भी इलाज कराया और वहां इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे।
सभी दवा आपने दो भागों में विभाजित कर दो अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है, अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेंगी। आज मेरे घर में दो फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। मित्रों, आज की कहानी की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिखिए।